नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विधाता जीएस क्लासेस में। दोस्तों, जेपीएससी पीटी एग्जाम को लेकर आज एक अपडेट आया है, वो मैं जानकारी आप सबको देना जरूरी समझा। तो देखिए क्या जानकारी आई है, क्या अपडेट आया है, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो देखिए वैकेंसी जो थी, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 15 फरवरी 2021 से, ठीक है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था 15 मार्च 2021 तक था, 15 मार्च 2021 तक था। और दोस्तों, और यहाँ पे देखिए इसका जो एग्ज़ाम का जो इसमें डेट दिया गया था वो 2 मई 2021 को दिया गया था, लेकिन कोरोना के कारण ये एग्ज़ाम को बढ़ा दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, और इसका देखिए टोटल जो वैकेंसी था वो कितना था, तो 252 था, ठीक है। और देखिए कैटेगरी वाइज ये जो वैकेंसी था, जनरल के लिए 114, जनरल के लिए कितना था 114, और बीसी के लिए था 13, और ईबीसी का 20 था, और ईडब्ल्यूएस का 19 था, और एससी के लिए 22 था, और एसटी के लिए 64 था। तो टोटल वैकेंसी हो जाता है 252। तो देखिए क्या अपडेट आया वो आप लोग अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है पढ़ के आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो था वह 12 सितंबर को होगा, ठीक है। 12 सितंबर 2021 को संभावित ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो पढ़ के सुना देते हैं, सुनिएगा। कह रहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पीटी की संभावित तिथि का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी। हालांकि आयोग ने परीक्षा का विस्तृत ब्यौरा अभी जारी नहीं किया है। बता दें कि पहले यह परीक्षा 2 मई को होने वाली थी, लेकिन झारखंड में कोरोना संक्रमण से उपजे हालात को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। अब जब सूबे में कोरोना का संक्रमण की दर कम हुई है और सरकार ने परीक्षा संचालन की अनुमति दे दी है, तब आयोग ने परीक्षा की संभावित तिथि का ऐलान किया है। कोरोना के मामले कम रहने और हालत नियंत्रण में होने पर ही परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर को होगा। किन किन केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आयोग बाद में उपलब्ध कराएगा। बता दें कि 7वीं 10वीं जेपीएससी में 252 पदों के लिए नियुक्त होनी है, जिनमें कुल 5.15 लाख अभ्यर्थियों आवेदन किया है। जेपीएससी ने 252 पदों में से सबसे ज़्यादा 114 पद समान वर्ग के थे, और 64 अनुसूचित जनजाति के लिए, और 22 अनुसूचित जाति के लिए, और 20 अति पिछड़ा के लिए, और 13 पिछड़ा और 19 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित किया गया था। तो दोस्तों आप लोग देखें कि मतलब ये जो न्यूज़ है वो आज पूरा फाइनल कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो 12 सितंबर 2021 को ये एग्ज़ाम संभावित किया गया है, लेकिन बताया गया है कि अभी मतलब अगर स्थिति सही रहा तो एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी अपने तैयारी में लग जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।